दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ एडमिंटन कनाडा से, और अगले हफ्ते मैं आप इंडिया में होंगे और मुंबई में मैं आ रहा हूँ पहले और लोगों से मिलने। लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से विशाल, और जैसे कि लोगों को होता है कि इमिग्रेशन लेनी है, बाहर जाना है, कुछ करना है, तो तरह तरह की कंपनियाँ उन्हें अप्रोच करती हैं या वो अप्रोच करते हैं। तो उस सिलसिले में विशाल कुछ पूछ रहे हैं मेरे से। आओ जानते हैं कहानी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, देखिए शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके। विशाल बताएं क्या चक्कर है, क्या समस्या है इमिग्रेशन की। जी सर, ऐसा हुआ मेरे साथ। अगर मैं इस करंट जो आपकी स्क्रीन वाला है ना, इसको तो अभी लेटेस्ट है, इसको तो मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन जो मेरे साथ एग्जैक्ट हुआ है ना, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सर, मेरे को दिसंबर 2021 में मेरे कजन से, जो कि पिछले 22 साल से कनाडा में है, उसका फोन आता है कि भाई आर यू विलिंग टू कम डाउन टू कैनेडा। आई सेड व्हाई नॉट, भाई अंधा क्या मांगेगा दो आंखें। ही सेड ओके माय क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अपने अकाउंटेंट कांटेक्ट करेगा। आई सेड फाइन, बिकॉज ही इज रनिंग अ काइंड ऑफ अ व्हाट यू से दिस एन एक्सपोर्ट कंपनी, समथिंग लाइक दैट। जी अब साहब क्या हुआ, मतलब 2021 दिसंबर में जब मेरी उसकी बात हुई थी, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन आई जी रोट हिम इन अ स्लैंग वे, मैंने कहा केएलपीडी कर रहे, क्या मतलब, आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? यस, आई एम वेरी, आपने दिल्ली की बोल दी लैंग्वेज भाई है। यस यस सर, आई एम टिपिकल जाट सर, मैं बिल्कुल बिंदास बोलूंगा। अब मेरा 2 घंटे का वीडियो चलेगा। तो अच्छा जी सर बताएं। क्या हुआ, मुझे जनवरी के अंदर उसका वो नकली वाला अकाउंटेंट कांटेक्ट करता है ऑन व्हाट्सएप कि योर कजन और योर भाई हैज गिवन दिस नंबर एंड सो एंड सो। एंड ड्रामे के तौर पे वो मेरे से पूछते हैं वेदर हैव यू डन वेस एंड आईएल्ट्स एंड ब्ला ब्ला, जो भी ड्रामा होता है। ठीक है सर, मैं आपको यहीं रोक दूंगा, पहले यहाँ रोक दूंगा। जो ये आपका कजिन था, दोस्त था, कौन था ये कनाडा में? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज माई कजन हु डायरेक्टेड इट टू हिज काउंटर पार्ट। इसका मतलब कि उसका भी कोई ना कोई तार जुड़ी हुई है इमिग्रेशन के चक्रों में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा आगे आगे क्या हुआ? हाँ तो सर, उसका जो अकाउंटेंट सो कॉल्ड नकली वाला साउथ इंडियन गाय मेरे को अप्रोच कर, मतलब किया उसने जनवरी में, एंड ही रोट ऑन माई व्हाट्सएप दैट व्हाट हैव यू डन फॉर दिस, मतलब जो ड्रामा होता है टिपिकल की, भाई आपने आइल्स किया है, वेस करवाया है। तो आई रोट अ अच्छा सिंपल मैसेज दैट वी हैव नॉट डन एनी थिंग एंड दिस इज द प्रोफाइल ऑफ माई वाइफ, शी इज गोइंग टू बी द प्राइम एप्लीकेंट। जी नाउ द स्टोरी रिजॉल्व फ्रॉम जनवरी 2022 टिल अप्रैल, एंड इन द मीन टाइम वी वर हैविंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 पर्सन, दैट साउथ इंडियन गाय, मी एंड माई वाइफ, एंड वी यूज टू रेगुलरली चैट एंड कॉल, समथिंग लाइक दैट, मैसेजेस वगैरह। एंड जी ही गेव अस एन आइडिया कि योर होल फैमिली पीआर विल बी डन विद अ पैकेज ऑफ 36 INR, लाख 36 लाख INR। वाओ, 36 लाख रुपए। और ये तो सर, ये उसने डायलॉग मारा कि ये तो बहुत कम है, 1 करोड़ तक जा रहा है, मतलब पैकेज जो है ना वो बहुत पंजाब का उधर इधर। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फैमिली का जो होगा देखी जाएगी, लेट इट बी। तो सर क्या हुआ, जो हमारी बातें चल रही थी जनवरी से लेकर के मतलब अप्रैल आ गया था, एंड उसने अपना एक जो कोट था वो हमें पहले ही दे दिया था कि 3 स्लैब बनेंगे, पहली किस्त जाएगी 16 लाख की, फिर जाएगी इतने की, फिर इतने की, 36 लाख का ये पूरा गेम था। जी और सर मेरे को गुस्सा इस बात पे आया कि मैं इतना पढ़ा लिखा, काइंड ऑफ एन एडवोकेट, आई एम बेसिकली एन एडवोकेट, सब कुछ होते सत्य, जब मैं बात करता हूँ ना लोगों से, इतने धुरंधर तरीके से बात करता था। उस टाइम क्या हुआ, आई वॉज लाइक काइंड ऑफ अ हिप्नोटाइज, में से कोई क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं कर पाता था, जैसा हाँ जैसा वो बोलता जाता था तो वो ऐसा ही चलता रहा। तो अप्रैल में वो मेरे से कहता है कि भाई हमने एम्प्लॉयर फाइंड आउट कर लिया गोरा, एंड ही इज गोइंग टू बी, मतलब ऑल द, मतलब प्रोसेस को वो हैंडल करेगा। और वही जो ड्रामा होता है लीमिया के नाम पे कि वो पहले जॉब रन करेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो जी सर अप्रैल चला गया, एंड टिपिकली व्हेन एज अ लाइक होता है ना अपने यहाँ पे इंडिया में, वो जो नवरात्रों के दिन आते, माई वाइफ सेड इफ यू वॉन्ट टू डू दिस प्रोसेस डू द पेमेंट इन दिस पायस डेज, सो दैट आर, मतलब फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड ऑल। नवरात्रों का फायदा लेके काम सर शुरू कर दो बस। हाँ, वो टिपिकल जो होता नहीं, अरे हिंदू सनातनी, वॉट एवर यू कॉल इट। समझ गए। तो हाँ, तो सर हुआ क्या, इतना आसान है नहीं मिडिल क्लास के लिए। आई अप्रोच माई पेरेंट्स, तो दे सेड यार वो जो हार्ड अर्न मनी है ना पीएफ का, वॉट एवर जो पैसा है, वो तुम्हारे बच्चों के लिए है, इट इज नॉट फॉर अस, हाँ एंड यू शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दिस एट दिस स्टेज एंड स्टफ लाइक दैट। तो
I was like dejected to some extent, and I approached my younger sister, who is already married, and I approached. मैंने उसको थोड़ा convince कर, मैंने कहा यार थोड़ा देख पापा को mold कर किसी तरह diplomatically ऐसे वैसे. So he spoke to my father, and one fine day when I was sitting with my father, ना हर call landed कि भैया कुछ बनी बात आपको, पापा ने कुछ करा रिलीज वगैरह पैसा. मैंने कहा देख मैं यहीं बैठा हूँ, तू बात ही कर ले. तो देन उसने मेरे सामने बात करी, थोड़ा कन्विंस करा, तो पापा मान गए, बोले चल ठीक है यार तुम्हारा तो भूत जाएगा ही नहीं. तो सर क्या होता है, पापा क्या करते हैं आपके, पापा किस उसमें प्रोफेशन में? माय फादर इज एन एक्स रॉ ऑफिशियल इक्विवेलेंट टू योर एसीपी दिल्ली पुलिस रिटायर्ड. ओह माय गॉड, एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर, रॉ ऑफिसर, इनके फैमिली को चूना लगाने के लिए आगे लोग आ रहे हैं कि हमें जाना. अभी तो सर जो जो बातें चल रही है, अगर मैं कुछ और बताऊंगा आप हिल जाओगे, और मैं डेप्थ में आपको बता दूंगा. आप मेरे को हिला दो, बस हिला दो, कोई बात नहीं, बताओ. तो वो कहते हैं ना विश्वासघाती वहां होता है जब, मतलब सॉरी घात वहां लगती है जहां विश्वास होगा. सो इट वाज टिपिकल दैट केस. और इतनी नॉलेज होने के बाद हाउ कैन आई बी फूल और डम लाइक दैट. तो सर जनवरी में उसने जो बोला ना कि गोरे ने एड वगैरह रन कर दिया, वी आर रनिंग मतलब बिहाइंड द प्रोजेक्ट इन अ सेंस, हमने अभी तक पेमेंट ही रिलीज नहीं करी है सर. करते करते मैं आ गया था, तो आई रिमेम्बर वेरी वेल ही सेड कि अब तो पानी सर से ऊपर चला गया, पेमेंट करो नहीं तो आपका जेपर्डाइज हो जाएगा केस. मैंने उसको बोला यार हम भी कर रहे हैं कोशिश, प्लीज कोऑपरेट विद अस. एंड जब वो हुआ क्या कि जो मतलब मेरे पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी थी वो सर जिसको बोलते हैं टिपिकल जो एफडी करवा के रखते हैं सरकारी बैंक में, अपने पेरेंट्स को लेके मई के महीने में चिलचिलाती धूप में गया हूँ एसबीआई बैंक में. एंड वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले जो प्रोसेस था एफडी ब्रेक हुई है वो थी सर 14 लाख रुपए की. उसने मांगे थे 16 लाख, लेकिन ये एफडी थी 14 की, कोई इशू नहीं. इससे पहले उसने जो उसका काउंटर पार्ट था कजन का, वो जो एक्चुअली डील ही कर रहा था जी, उसने मेरे को एक लेटर भेजा सर कि भाई आप कैसे पैसे को रिलीज करोगे. मैंने उसको बता दिया ये सरकारी बैंक के थ्रू होगा. बोला हाँ चुटकियों में हो जाएगा, मैं आपको एक वो इनवॉइस बना के भेज देता हूँ. तो पैसा किसके नाम पे है? मैंने कहा फादर की इस तरह अकाउंट है एंड ऑल. तो उसने एक जो इनवॉइस मेरे को भेजा सर, वो एक्चुअली भेजा एक्सपोर्ट कंपनी जो पता नहीं नकली थी क्या थी उसके नाम पे. उसमें अमाउंट था कोई 55,000 कैनेडियन डॉलर. बोला पहली पेमेंट जो जाएगी ना इस तरह जाएगी, और ये रहेगा वो रहेगा. आपको रोकता हूँ यहाँ पर. ये जो बंदा कॉल कर रहा था, इसका फोन नंबर कौन सा, इंडिया का नंबर था या कनाडा का नंबर था? सर मैं आपके साथ बिल्कुल सारी चीजें वन बाय वन शेयर करूंगा, पेशेंटली सुनो आप. अभी जो मैंने हिलने वाली बात की आप हिल जाओगे और आप सुनते रहो बस. यार मेरे को अब सस्पेंस हो रहा है कि आप क्या क्या बताने वाले, बता. अच्छा चलो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, बताओ. आप मेरे को इंटरफियर मत करो, मैं मूड में हूं ऑन फुल हाई. मैं नहीं करूंगा, बस गो अहेड जी. सर सुनिए, तो क्या हुआ, उसने जो नकली सा एक वो भेजा था ना इनवॉइस, उसको लेके हम सरकारी बैंक में गए. सरकारी बैंक वालों ने पहले तो एफडी तोड़ दी, फिर बोले हाँ जी. मैंने कहा यार पैसा भेजना. बोलो पैसा कोई बच्चों का खेल नहीं है, सिर्फ स्टडी वीजा में जो है वो आपका पैसा जाता है बैंक से बिना किसी क्वेश्चन के, अदरवाइज आपको एक हमारी फॉरेक्स ब्रांच है वहां जाना पड़ेगा. देन फ्रॉम माय पर्टिकुलर नेटिव प्लेस जो मेरा अपनी जगह है दिल्ली में, मैं वहां से और थोड़ी दूर गया हूँ पेरेंट्स के साथ, वही चिलचिलाती धूप में 2:30 बजे. अच्छा मैंने जब 11:30 बजे जिस पर्टिकुलर ब्रांच में मैं खड़ा हुआ अपनी, उसमें मैंने जब उसको कॉल करा, वहां पे तो ऑलमोस्ट 3:30 बजे रहते रात के. तो वो मेरे को कहता है नकली अकाउंटेंट कि विशाल जी अभी तो 3:30 बज रहा है, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, बाद में रात को बात करेंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं. देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांच वी वेंट टू दैट फॉरेक्स ब्रांच ऑफ एसबीआई एंड इट इज इन साउथ दिल्ली अगेन. तो वहां गए सर, और लेटर ले ही रखा था, और वो हमसे पूछती है मैडम कि भी हाँ जी बताइए क्या है. मैंने कहा मैडम पैसा ट्रांसफर करना है. तो उसने वो लेटर देखा, उसने बोला कि शी थॉट कि हम भी जेन्युइनली कोई एक्सपोर्ट में ही हैं, एंड शी थॉट कि भी आप बिल ऑफ लेडिंग वगैरह लगाइए ये वो. फिर मैंने उसको बोला मैडम एक्चुअली ये तो एक वो है हमें करने किसी पर्पस के लिए, तो हमारे पास वो कोई वाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं जो आप समझ रहे हैं कि हम. बोली फिर तो पैसा ट्रांसफर होगा नहीं. देन आई आस्क हिम कि भी क्या तरीका है. जी सर मुझे तो पता नहीं, आप ये प्राइवेट जो कुछ लोग होते हैं ना फॉरेक्स कंपनी में डील करते हैं, इनका कार्ड रखा हुआ मेरे पास, आप ले जाओ इनसे बात कर लो. सरकारी तरीके से तो एक लीगल तरीके से पैसा जाएगा, आप भूल जाओ मतलब जी. अच्छा सर मजेदार बात ये थी, उस साउथ इंडियन ने मेरे को बीच में ये भी बोला था कि आप चाहो तो पैसा हवाला के थ्रू ट्रांसफर कर दो. ओए होए होए होए, अच्छा ये भी आ गया सर. अभी इसमें मजा आएगा. एंड व्हेन आई आस्क
cousin for the same. What he said, it is very normal. I am giving my salaries of that export company who is running in Canada, na. तो मैं ऐसे सैलरी वगैरह देता हूँ, कोई कोई ऐसा होता कुछ होता, तो ये बहुत नॉर्मल चीज है. एंड ही गेव मी वन ऑफ माय मतलब फैमिली मेंबर्स रेफरेंस कि फलाने के लड़का जो ऑलरेडी अल्बर्टा में है, नाम लिया उसने, ठीक, मिस्टर राणा सन हु इज ऑलरेडी बेस्ड इन अल्बर्टा इज मतलब आस्किंग मी कि भी मुझे 90 लाख रुपए अपने सन को देने, तो क्या तरीका है. तो मैंने बोला इट वेरी इजी, आप हवाले के थ्रू कर दीजिए. ये जस्ट हो सकता है मेरे से एक फेवर तो नहीं बोलूंगा, मतलब मेरे पर पूरा इंप्रेशन ये बनाया जा रहा था दैट इट इज वेरी नॉर्मल थिंग. बोला 90 लाख रुपए उसने ट्रांसफर करे, उसके लड़के को मिले, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत नॉर्मल है, यू कैन ऑल्सो डू दिस. बट आई वॉज लाइक कोल्ड फीट. मैंने कहा यार, बींग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन लॉयर एंड माई पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, आई कांट डू दिस. वो गट फीलिंग नहीं आ रही थी सर, आई टेल यू ऑनेस्टली. आई सेड नहीं, ऐसे तो नहीं भेजूंगा. बट वो कहते हैं ना किस्मत, फिर किस्मत ही होती है उसको, जो कहते हैं बदल ही नहीं सकते. अच्छा, रात को क्या हुआ सर, जब मैं वो बैंक से आ गया था, फॉरेक्स वाली यार एवरीथिंग इट गॉट फेल्ड, एंड व्हेन मी एंड माय वाइफ वर सेटिंग विद डूइंग दिस प्रोसेस कि कैसे पैसा भेजा जाएगा, उसने तो अपना कैनेडियन बैंक अकाउंट भी शेयर करा हुआ था, ठीक है सर. अच्छा, वो उसमें जा ही नहीं रहा था, ठीक है सर. फ्रस्ट्रेट होके वो बोला मेरे को कि यार ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है, आप हवाला से भी नहीं भेज रहे हो. तो मैंने कहा यार कुछ वे आउट बता दो, नहीं तो फिर आपको पता है वी आर जेन्युइन पीपल. तो उसने सर क्या गेम करा, क्या स्कीम थी उनके दिमाग में, उसने ही बिलोंग्स टू बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर, एक ऐसा उसने हमें बताया था साउथ इंडियन गाय जो था ना, उसने SBI का नंबर मेरे से शेयर करा. अब आपको पता है बैंक टू बैंक ट्रांसफर इंडिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फॉर्चुनेटली मेरा बैंक भी SBI ही था, तो SBI टू SBI में कुछ भी हो तो बहुत सिंपल सी बात है. तो सर वो जो नंबर शेयर था ना, उस पे रात को 11:30 बजे या जो भी टाइम था उस वक्त, 18 और 20 की मतलब ऐसी बीच की वो थी, मतलब टाइमिंग, आई एम टेलिंग यू 2022 के अंदर, मई का ही महीना था, मई अभी भी रन हो रहा है. तो सर वो पैसा जाना ही था, तो पहले ना इकट्ठा 10 लाख नहीं जाता, पहली जो ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें 9 लाख रुपए गए. 9 लाख रुपए जब चले गए तो उसने बोला कि 12 बजे के बाद जो बचा हुआ पेमेंट है वो भी कर देना. मैंने कहा ठीक है भाई, 12 बजने में कोई कसर नहीं है, वो भी करेंगे. तो सर उसको खबर तो था ही नहीं, वो बचे हुए 5 लाख भी चले गए, क्योंकि हमारे पास 14 लाख की ही वो थी FD. 14 लाख जब उसके पास चले गए ना सर, वहां से असली गेम टर्न अराउंड होना शुरू हुआ है. उसके बाद वो टाइम बाय तो पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा था, बहुत माइंडेड, जिसको बोलते हैं ना टिपिकल माइंडेड. तो सर वो पता क्या कहता है, मैंने कहा हाँ भाई अब तो पैसा चला गया, अब तो बहुत स्मूथ हो रही होगी चीजें. बोला नहीं, वो जो गोरा है ना, जो एम्प्लॉयर हमने फाइंड आउट करा था, वो नाराज हो गया है, मेरे भी रिलेशन आपकी वजह से बिगड़ गए, उससे मेरा कुछ पैसा वैसा लेना था, वो भी अब जेपर्टाइज हो गया, आपका केस भी जेपर्टाइज हो गया, तो अब वो तो करेगा नहीं. मैंने कहा यार उसका तो पैसा लगा होगा. बोले $1 million, $1 billion वो लोग अमीर होते हैं, कंपनी बहुत मोटी रन कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े मूडी होते हैं, चूजी होते हैं, उनको टाइम से कुछ चीजें ना हो तो वो नहीं करते हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, रास्ता तो है दूसरा. बोला बिल्कुल है जी, आप घबराओ मत, क्योंकि आपका वो कजन है ना बीच में, इसलिए आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं है. और उसने सर फेथ कैसे बनाया था, जो कि मैं अपनी ही गलती कहूंगा, उसने मेरे को ये बोला कि आई एम बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और ना मैंने उसको कोई लिंक्डइन अकाउंट चेक करा ना कुछ, और वो कहीं भी नहीं था सोशल मीडिया पे, ना जिसको बोलते हैं ना फेसबुक वगैरह, कहीं था कुछ नहीं. और फिर बोलता है मैं कनाडा में CPA हूँ. मैंने उस चीज को भी ज्यादा वेटेज नहीं दी. मैंने कहा यार होगा होगा, नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वो तो इंप्रेशन बनाने के लिए कर रहा था कि इनके दिमाग. और बोला सर मैं कोई दलाल नहीं हूँ, दिस दैट, मैं कुछ भी नहीं हूँ. कल को जब आप डायरेक्ट हो जाओगे ना, तो आपके साथ लॉयर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सब कुछ हो. तो पहली स्टेज है, इसी में थोड़ा सा हमने हाइड कर रखा है कि भाई आप लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहा हूँ मैं. मैंने कहा कोई बात, काम होने से मतलब होना चाहिए. तो सर गोरा उस पिक्चर में से हट गया. अभी इन्होंने क्या करा, 1 महीने का फिर टाइम बाय करा कि भाई एड रन होगी, अब हमने इंडियन एम्प्लॉयर पकड़ा है. मैंने कहा बोला हाँ इस बार इंडियन ही पकड़ियो, क्योंकि गोरे तो बड़े फंसी हैं ये वो. तो अब सब वही बात थी, ड्रामा वही. 1 महीने का फिर से टाइम रन करा गया कि भाई एड रन हो रही है. मैंने कहा कर ले. अब क्या पता है, जो उसने मेरे को शुरू में बताया था जनवरी ऑनवर्ड्स की भाई जो प्रोसेस है मुश्किल से 6-7 महीने का है टोटल, और लीनिया वाला गेम है तो इसमें तो और भी बहुत जल्दी चीजें फास्ट होंगी. तो सर क्या हुआ, जब उन्होंने नया एम्प्लॉयर नकली सा जो मतलब टाइम बाय करने के लिए
इंडियन वाला रखा हुआ था जो मेरे को बताया, तो एक महीना पास होने के बाद मेरे से कहता है कि अब विशाल जी ऐसा है जो प्रोसेस अगला था मतलब एड रन करने के बाद वो एकदम से शूट अप करके 180 दिन दिखा रहा है, दैट मींस क्लोज 6 मंथ। मैंने कहा यार तो बात मार्च से भी आसपास चली जाएगी। बोला सर कुछ कर नहीं सकता, वो सेकंड स्टेज है फलाना है जो भी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा चला ही गया, मैं कुछ कर नहीं सकता ना इफ एंड बट सर। और ये करते करते ड्रामा टोटल आप यकीन मानिएगा, बीच में सब कुछ चैट वैट होती रही, ये वो होता रहा, कभी अपना आपको बड़ा प्राइसी शो करता, मैं बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ओहो आप डिस्टर्ब मत करो। वन फाइन डे मेरे को दिसंबर के अंदर 10 या 12 तारीख को दिसंबर 2022 में मेरे को उसका एक लास्ट मैसेज आता है कि मी एंड माई फैमिली आर डाउन विद फ्लू। मैंने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मद्रासी आदमी ठंड वंड लग गई होगी, नहीं झीली होगी, है ना, दो चार दिन फ्लू ठीक हो जाएगा, साला कोई कैंसर तो हुआ नहीं है टिपिकल। तो अब मजेदार गेम शुरू होता है सर। उसके बाद वो जो लास्ट मैसेज आया था 10-12 दिसंबर 2022 को, उसके बाद ना वो कॉल उठाता है ना मैसेजेस के जवाब देता है, और मजेदार बात है ना वो ब्लॉक करता है। तीनों देखिए क्या सिस्टम से चला है दिमाग से। अब उसने बोला टॉर्चर इनकी एंड पे रह गए, कुछ भी नहीं कर सकते। और सर पहले तो मैंने कर्टिस वाले मैसेजेस करे कि यार कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, प्लीज सेंड मी, हाथ जोड़ के इमोजीज बना बना के वो जो होते हैं ना मैसेजेस, शुरू करा। मैंने कहा यार कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि सिक्स सेंस हमारी भी काम कर रही थी। मैंने कहा यार आप पैसा वापस कर दो, कोई इतना वो बड़ा नहीं। तो सर बड़ी लंबे चौड़े व्हाट्सएप मैसेजेस और मेल वगैरह सब कुछ, पर उसका कोई जू भी नहीं रेंग रही थी, वो तो अपने मस्ती में चल रहा था। अब सर बीइंग अ लॉयर आई वाज नॉट गोइंग टू माय कोर्ट्स, राइट, आई वाज लाइक तो सर जी क्या हुआ, दुनिया को तो मेरे के अंदर पता नहीं गर्मी है, आप देखोगे तो हल्का फुल्का हूँ, लेकिन मेरे शरीर में गर्मी बहुत है, तो मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया तो अपना एंजॉय कर रही थी सर्दियों का मौसम दिसंबर में, मेरे सर पसीना था दो तरह से, एक तो अंदर का और ये जो प्रोसेस चल रहा था बुलशिट वाला। तो सर मैं कोर्ट नहीं जा रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जब मैं जनवरी में कोर्ट गया हूँ ना सर, तो वो जो भापने वाले होते मेरे सो कॉल्ड लगते जिगर एंड जो चाहने वाले होते वेलविशर, वो थे एक्चुअली, चाहे वो कितने खाने पीने वाले थे, मैं उनको आज भी अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो नहीं होता तो विशाल नहीं होता। तो मैं जब गया ना तो एक ही नजर में भाप ले कह रहा भाई तू तो चुसाम हो रहा है, चौधरी साहब क्या बात है, और वो अपने जाट भाई नहीं है, मैं भी जाता हूँ, तो मैं कह यार होगी थोड़ी गड़बड़ होगी, बोरा बता तो दे खुल के क्या बात होगी। मैंने फिर लिटरली जो कहते हैं ना सारा सिक्वेंस उनके आगे रिवील कर दिया। सबसे पहले महात्मा उन्होंने महात्मा रहा, बोला ये अपने ही तो करवाते हैं, तू कैसे ये कर सकता है, पढ़ा लिखा होके एक लॉयर फेटर्निटी से बिलोंग करता है, इतनी तेरे को नॉलेज है, तू बोलता है मैं अनऑफिशियल PhD हूँ, इमिग्रेशन है, मतलब सारा पता है, तू कैसे मतलब ये कर सकता है, और तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बता। मैंने कहा भाई अब ये हो गया तू देख ले कैसे क्या है। अब सर उसके अंदर हमारा एक बहुत जबरदस्त, मैं नाम लेके बात करूंगा, एडवोकेट मंजुल दहिया, हमारा जाट भाई है, मेरे से छोटा है बहुत उम्र में, मैंने शायद आपको बताया नहीं मेरी उम्र 48 साल है, लगती नहीं है सिलिमेंटरी जी, ठीक है, 39-40 का होगा। उसने एक ही बात कही सर कि भाई अपन जाट हैं और ब्लाइंड तो अब हो गया हमारा केस, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन टिपिकल जाट है और हम वो काम कर देंगे, इस चाहे कनाडा जाके काम करना पड़े वहां कर देंगे, तू घबरा मत बस। और सर वो मेरे साथ बैठा बकाया था 1-2 घंटा, और उसने मेरे सारा सीक्वेंस सुना, उसको सर उसने लीगली ड्राफ्ट करा, लीगल नोटिस। अच्छा, 4 पेज का लीगल नोटिस ऐसा बम बना दिया उसने कि अगला पढ़ ले तो उल्टी ही कर दे, मतलब कि ये क्या है मतलब। और सर देखिए किस्मत कितना साथ देती है कभी कभी, वो कहते हैं ना जब अपना ग्रुप हो बढ़िया वेल विशर हो, भगवान कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, वो करता है सबके साथ न्याय। तो सर फॉर्चुनेट किस्मत ये थी कि मेरे अपने उस ग्रुप के अंदर एक हमारा जो मंजुल दहिया जिसने लीगल नोटिस ड्राफ्ट करा था, उसका जानकार था सर, अभी भी है, जो कि सर ड्यूल एडवोकेट है, अपना क्या नाम है, इंडिया का एज वेल एज कैनेडियन लॉयर। नाम क्या उसका? हाँ मैं नाम ले देता हूँ सर, राहुल खत्री। ये कनाडा में भी लॉयर है? हाँ जी, ठीक है, अच्छा प्रोसीड करो आगे बताओ। हाँ ठीक है। तो सर जी क्या हुआ, अपना उससे जब बात करी ना, उसने भी वही सारी बातें करी टिपिकल जाटों वाली कि भाई तने कैसे एक कलेश कर दिया जान को, और तूने कुछ भी नहीं करा। मैं कहा भाई होगी गलती, तू अब देख ले ओट ले कैसे। बोला कोई बात नहीं घबरा मत, एक बार आके मिल ले रोनी कोर्ट में।
तो सर हम चले गए, बात हुई वही सारी, बोला कोई बात नहीं हम इस लीगल नोटिस को ना सर्व करेंगे और देखते हैं कैसे चीजें प्रोसीड होती हैं। तो सर वो हौसला ही था उसका कि वो जो चार पन्नों का लीगल नोटिस था ना उसने अपने लेटर हेड पे करा, बकायदा स्टैंप वगैरह लगाई और वो सर उसने हार्ड कॉपी करी इंडिया से, जिसको लगे अप्रोक्सीमेट कोई 1.5 महीना। मैंने उससे ये भी पूछा उस वक्त कि भाई मेरे तू आज के एरा में जिसको बोलते हैं ये ईमेल है व्हाट्सएप है इस पे क्यों नहीं भेज रहा और इतना टाइम। बोला नहीं सिस्टम यही कहता है हमारा लीगल वाला ना कि अगर लीगल नोटिस वैसे भी सर्व होना चाहिए। तो सर 1.5 महीने तक मैं वेट करता रहा, बीच में उससे पूछता रहा भाई हुआ नहीं हुआ, तो वो भी थोड़ा ढीला था, वो बोला यार वो ट्रैकिंग व्रैकिंग मैं आपको दे दूंगा आप कर लेना। करते करते बाद 1.5 महीना आ गया तो फिर वो फोन फाइंड मेरे से कहता कि भाई पहुंच गया होगा, हालांकि मैंने ट्रैकिंग नहीं करी है और अब वो पहुंच गया होगा, मैं उनको ऐसा करता हूँ उनके जो व्हाट्सअप नंबर है ना उन पे कर देता हूँ। और उसने सर लिटरली कर दिया क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का पार्ट था। ठीक है सर, जैसे ही मेरे कजन को वो लीगल नोटिस सर्व हुआ उसका इमीडिएट मेरे पास कॉल आता है। अच्छा इन द मीन टाइम जब ये सारा प्रोसेस दिसंबर में चल रहा था, जब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट था और उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था और बात नहीं हो पा रही थी, एक बार मेरी उससे बात हुई मेरे कजन से, तो उसने मुश्किल से 2-4 मिनट बात करी, बोला हाँ क्या बात है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे निखिल को बोल दे पैसा रिफंड कर दे, चीजें नहीं हो रही। और मेरे कजन ने एक बार भी नहीं पूछा भाई तेरा कितना पैसा डूबा, क्या हुआ, क्या कहानी, उसको कोई मतलब नहीं था। और सर ये जब लीगल नोटिस सर्व हो गया ना कजन को, फिर उसका मेरे पास फोन आता भाई मेरा नाम क्यों ले दिया। मैंने कहा तेरे को पहले ही हिंट दे दिया था कि यू विल बी ऑन इन द लूप, क्योंकि तीन बंदे हो, एक वो मिस्टर एक आप हो और एक जिसके इंडियन अकाउंट में पैसा गया था, क्योंकि ये मेरे एक फॉर्चुनेट था कि वो इंडियन अकाउंट में ही गया था। तो किस्मत अच्छी आपकी, हाँ किस्मत अच्छी है। तो अब वो जो साउथ इंडियन वाला अकाउंट था ना, जो थर्ड पर्सन का अकाउंट था, उसका हमारे पास कोई डिटेल नहीं थी सर, सिर्फ नाम था और अकाउंट नंबर था। लेकिन हमारे वेल विशरों ने उसकी जन्म कुंडली निकाल दी थी, ईमेल फोन नंबर जो भी डिटेल होती है ना बैंक में जा करके सब, उसको भी हमने लीगल नोटिस फोन पे सर्व कर दिया उसके व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। अब तीनों के पास चली गई थी और मेरे कजन ने तो मेरे को रिस्पॉन्ड कर ही लिया था। अब यहाँ से सर कुछ कुछ फेवर में होना शुरू हुई कि उनको ये लगा यार ये तो करा तो गलत ही है उन्होंने, और किस स्कीम से करा है उनकी क्या सोच थी मुझे ये भी नहीं पता था। अब उनको लगा ये तो आर पार की बात हो गई, या तो पैसा रिफंड करो नहीं तो चीजें जो लिखी हुई है ना उसमें लिटरली वो हो जाएंगी और हम इतनी ताकत रखते हैं हम कर देंगे। तो सर उन्होंने सलाह मिलाई होगी जो भी कुछ करा होगा, और उसके बाद मेरे पास मेरे कजन का वो आता है अगेन मैसेज कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने उस निखिल से पैसा मंगवाया है अपने ऑफिस के अंदर, तो वो पैसा दे जाएगा फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा मेरे पे वो ब्लेम डालता ना लास्ट तक कि भाई तूने मेरे बिना पूछे हुए पैसा दे दिया। मैंने कहा तू तो डे वन से लूप में था, तेरे ही रिकमेंडेशन पे तो हमने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करा था कि ये तेरा कोई बहुत क्लोज है क्या है अकाउंटेंट है व्हाटएवर। तो कहने का मतलब सर ये हुआ कि जनवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल ये सब चलता ही रहा, मतलब मैं अपने कजन को टैप कर रहा हूँ और वो कह रहा अभी तक पैसा आया नहीं है कुछ कुछ करके, बट उधर से मेरा जो लॉयर था उसको भी इन्वॉल्व कर रखा था। तो फाइनली उसने मेरे को ये मैसेज दिया मेरे कजन ने कि योर मनी हैज बीन रिसीव्ड ऑन माय टेबल ऑफिस में आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है, अब कर दे भाई वायर कर दे जो भी होता है तरीका। बोला वायर नहीं करूंगा। मैंने कहा फिर कैसे करेगा, हवाला से करेगा कैसे करेगा, क्योंकि मेरे को मेरे वेल विशर्स और जो कैनेडियन काउंटर पार्ट उन्होंने एक बात बोली थी, जैसे भी वो पैसा देना चाहे उससे पैसा जरूर ले लेना, उसको बोलो कैनेडा में देना चाहता कैनेडा में दे दे, यहाँ हवाला के थ्रू देना चाहता जैसे मर्जी दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, पैसा आने से मतलब। तो फिर सर उसने अपनी सलाह मिलाई होगी मेरे कजन ने अपने उसी साउथ इंडियन जो अकाउंटेंट था जो भी कुछ है, और सर उनकी आपस में ट्यूनिंग ये बैठी यार ये पैसा तो इनको देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो हमारी जिंदगी खराब है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना होता या नहीं होता। जैसे टिपिकल बोलते हैं ना स्यू करने वाली बातें कि यू विल बी लिटरली स्यूड एंड योर लाइफ विल बी जेपरडाइज, तो उनको लगा यार हम तो फिर, उन्होंने कहा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे कजन ने सर क्या करा कि अपनी सलाह वाला मिला के उसका ना अमाउंट का हमें बताता हूँ, 14 लाख के INR में बनते हैं, सॉरी कैनेडियन डॉलर में उस वक्त बन रहे थे समवेयर अराउंड 23,000 कैनेडियन डॉलर इक्विवेलेंट टू 14 लाख ऑफ रुपीज। तो मेरा कजन मेरे से कहता है कि भाई वो पैसा आ गया। मैंने कहा आ गया तो कितना है, बोला $20,700 है, कुछ कन्वर्जन में कट गया। आई वॉज लिटरली शॉक। मैंने कहा 3,000 कैनेडियन डॉलर यानी अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपए किस बात की काट ली, क्या करे भगवान जाने। तो
सर उसने मेरे को ये बोला कि भाई इतना पैसा हम कर पाएंगे, तो मेरे जो थे अपने कैनेडियन लॉयर उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जो दे रहा है ना इस वक्त पकड़ ले, क्योंकि इट इज टोटल ब्लाइंड, डोंट हैव एनीथिंग। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर दे। तो उसने क्या करा, उसका डीडी बनवा लिया, पता नहीं किसकी सलाह पे, बोला अब मैं डीडी ना यहाँ पे दे दूंगा, जो आपके जानने वाले हैं अकाउंटेंट सॉरी कैनेडियन लॉयर है ना, इनको बोल दो ये अपने ऑफिस में किसी से भी वो करवा लेंगे, मैं ये डिपॉजिट करने को तैयार हूँ। सर मेरा जो कैनेडियन लॉयर है ही इज मोस्टली इन इंडिया अपने कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, एंड ही वॉज सो लकी टू गेट हिज सिटीजनशिप सिटिंग इन इंडिया। ही रोट टू द मिनिस्टर जो आपके इमिग्रेशन में मिस्टर, उनको लिखा कि आई एम इन इंडिया एंड आई कांट कम फॉर ओथ, सो इफ यू कैन ग्रांट मी दिस सिटीजनशिप इन इंडिया। वो वीडियो कॉल हुई तो उनको वहीं ग्रांट होगी। सर इतने वो भी किस्मत के धनी है, उनको ज्यादा शौक नहीं है, तो उनका सब कुछ हो गया, मतलब सिटीजनशिप आ गई, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या करा, एक उससे बात करी कि भाई ये पैसा ट्रस्ट अकाउंट में ही जाएगा, जब ही तो वापस आएगा इंडिया में। तो ही स्पोक टू हिज फ्रेटर्निटी के गोरे से बात करी, यार एक पैसा अकाउंट में रखवाना है, कितने डॉलर लेगा? तो गोरे ने उसको बोला $1,000 लगेंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, और मैंने ग्रीन सिग्नल दे रखा था, 1,000 लगे जो भी लगे कोई दिक्कत नहीं, पैसा आने से मतलब है। फॉर्चुनेटली ही फाउंड हिज बैचमेट मिस्टर खत्री की कोई बैचमेट है, और मैं नाम लेके ही बोल सकता हूँ, अभी तो इश्यू भी नहीं है, वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके कनाडा में जी। अब वो उनकी बैचमेट थी, उससे बात करी तो उसने बोला $600 लगेंगे। तो बोला विशाल भाई $400 बच गए, मैं अपनी दोस्त के अकाउंट में करवा देता हूँ ट्रांसफर। मैंने कहा बोला काम हो जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी अपने कजन को, तू जहाँ रह रहा है ब्रैम्पटन में और वहीं पे वो जो लॉ कॉर्पोरेशन है वहीं पे चला जा, उस लेडी को दे दे तू जाके सिमरन को। तो वो सर बड़ी नानुक्कर होती रही, करता रहा। तो वन फाइन डे हमारे जो खत्री साहब ने थोड़ा खाने पीने के शौकीन है, तो उन्होंने रात के टाइम जो उसको फोन करा होगा ना कि भाई कुछ डेडलाइन दे रखी थी उसको सबमिट करने के लिए, क्योंकि बहुत हो गया था, एनएफ इज एनएफ। तो वो कहता जी आई एम ट्रैवलिंग इन साउथ अमेरिका दिस एंड दैट, और ये बोला तू आदमी तो बहुत गलत है, बिकॉज योर कजन इज मतलब फाइन, मुझे ये लग रहा था कि तूने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, बट मुझे लग रहा है मेन कल्प्रिट ही तू है। बोला नहीं नहीं सर आप गलत सेंस में ले रहे हो, मैं तो ऐसा है साउथ अमेरिका में हूँ फिलहाल, आप मेरे को वीडियो कॉल कर लें। एंड ही सेड व्हाई द हेल आई शुड कॉल यू, आई एम बेसिकली लॉयर, ठीक है, तो मैं तो अपने तरीके से बात करूंगा। वो थोड़ा घबरा गया व्हाटएवर, बोलता मेरे को डेडलाइन दे दो ट्यूसडे तक की, द मोमेंट आई लैंड इन कनाडा मैं सबसे पहले यही काम करूंगा डिपॉजिट करने वाला। वन फाइन डे ही लैंडेड एंड ही लिटरली डिपॉजिट दैट। अच्छा इन द मीन टाइम व्हाट ही डिड, ही वाज सो स्मार्ट एंड क्लेवर, जो हमने लीगल नोटिस सर्व करा था उसके लिए डे वन से ये कह रहा था कि जब तक नोटिस रिकॉल नहीं होगा ना वी विल नॉट गिव यू द रिफंड बिकॉज वी वॉन्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। मतलब सोचो सर कितने माइंडेड बंदे हैं, काम करा है गलत उसकी कोई परवाह नहीं, वो सर लीगल नोटिस रिकॉल करने की बात करते हैं। एंड वी वर लाइक सरप्राइज, इतना दिमाग कैसे ले रहे हैं? हमने कहा हम तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे, हमने उस लीगल नोटिस पे अपनी वो लिखी कि साइन करके कि वी आर टेकिंग बैक रिकॉल नोटिस जो उसकी भाषा में था, और वो जो पैसा था जो मतलब पहले तो वो उसमें गया था जो उसका डीडी था, मतलब बेसिकली वो कैनेडियन लॉयर के वहां गया, उसने फिर उसको प्रिंट दिया या व्हाट्सएप ही मैसेज करा कि ये देखो लीगल नोटिस रिकॉल हो गया आपका, अब आप तो उस लेडी के वहां पे वो पैसा टैंक हो गया जाके। और सर अब दूसरी फाइट ये थी कि हमें वहां से पैसा लाना ही बहुत बड़ा हमारे लिए इशू था, उसमें होता है ना कि यू नीड टू हैव योर स्विफ्ट कोड दिस कोड दैट कोड जी जी। तो माय वाइफ वाज नॉट कंफर्टेबल इन गोइंग टू दैट व्हाट यू से बैंक, कि मैंने कहा ना एक बार बैंक में जाना है वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे, अब प्राइवेट बैंक तो होते भी अच्छे। बोले नो आई विल नॉट गो इन बैंक, वो 10 तरह के क्वेश्चन करेगा। मैंने कहा 10 तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, वो लिटरली कागज दे देगा और उसके बेसिस पे आराम से हो जाएगा। तो सर वो गई नहीं मेरी वाइफ आई टेल यू। तो हमने अपनी जो R&D कर रहे थे ना उसमें क्या करा कि उस पर्टिकुलर बैंक ICA बैंक के पेड कस्टमर केयर में बात करी, जिसमें मिनट के हिसाब से पैसे कटते हैं, वो हमारे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। वो किसी समझदार आदमी ने जो डीलिंग करी हुई थी ना उसने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो सर हमने जब पेड कस्टमर केयर में बात करी ICA बैंक के, तो उन्होंने हमसे कुछ कन्फर्मेशन मांगी कि जिनका अकाउंट है उनकी डिटेल्स दो,
यानी कि मेरे वाइफ की, तो आई शेयर्ड दोज डिटेल एंड दे लिटरली शूट अ मेल टू माय वाइफ्स ईमेल आईडी एंड लिटरली ही सेंड मी बैक. उसके अंदर वो सारी डिटेल थी सर, पूरे इंटरनेशनल मतलब जितने भी देश है ना टॉप के, सबकी करेंसी के हिसाब से स्विफ्ट कोड दिए हुए थे. तो कैनेडा का रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा है, उसकी भी डिटेल्स थी. तो सर जो वाइफ का आईसीआई बैंक अकाउंट था वो डिटेल प्लस दैट स्विफ्ट वाला कोड, वो कंपाइल करके हमने उस लॉयर को भेज दी थी जो कैनेडा में बेस्ड है, कि भाई अब पैसा ऐसे ट्रांसफर होगा वापस इंडिया में. तो सर आप यकीन मानिए, मतलब उसमें भी बहुत टाइम लगा, मतलब पता नहीं क्या रीजन था, कुछ टेक्निकल था क्या था. तो मैं सोच रहा था किस्मत में कुछ है नहीं, तो मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि प्लीज सेंड इनिशियली $100. कहीं मैंने ये भी सुना था कि पैसा कई बार स्टक हो जाता है, तो 30-30 दिन तक स्टक हो जाता है किसी गलती की वजह से ना. तो उसने पहले $100 भेजे, उसके अकाउंट में वापस चले गए, बोली ये वापस चले गए, आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई करना, सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको भेजी हुई हैं. तो फॉर्चुनेटली अभी एक हफ्ता पहले ही मेरे को वो $100 रिसीव हुए हैं सर, और अब जो बैलेंस अमाउंट है वो शायद फॉर्चुनेटली मेरे पास आ जाएगा, इट इज इन द प्रोसेस. तो ये तो है सर एक पार्ट जी. अब मैंने जितनी आरएनडी कर रखी है ना, तो आज भी मेरे टच में वो जुनून कह लो कुछ भी कह लो, सारे उस तरह के हैं, जेन्युइन भी हैं सर और फर्जी वाले तो बहुत सारे. जेन्युइनों ने मेरे को एक लाइन में ये लिख के बोला हुआ है कि कीपिंग द एज फैक्टर ऑफ योर वाइफ, हालांकि वो जो सीवी देखोगे ना सर आप, वो इम्प्रेसिव है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो एज फैक्टर की वजह से कईयों ने ब्लंटली मना कर दिया. उसके दो रीजन मुझे अच्छे लगे, या तो वो कॉम्प्लेक्स केसेस करते नहीं है, या वो सोचते होंगे कि भाई फाइल पड़ी रहेगी पूल के अंदर, इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो आपने भेजा है, वो ये स्क्रीन पे हरा हरा दिख रहा है, यही है ना? ये अलग है सर, ये तो अलग है, ये तो अभी मेरे को लेटेस्ट कोई टकरा है चलते पुर्जे. और अच्छा, इन्होंने पता क्या शीशे में उतारने की कोशिश करी, इन्होंने बोला जो काम हम कर रहे हैं ना वो पूरे इंडिया के वर्ल्ड में नहीं कर रहे, और हमारे प्राइस भी इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि जो मार्केट में प्लेयर बैठे हैं वो हमें गाली दे रहे हैं कि यार इतना कम रेट कर रहे हो, और हम तो कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए सब कुछ वो कर रहे हैं. चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लें जो स्क्रीन पे है ना, जो आपने देखा बारे में बात करी, इसी के ऊपर सारी कहानी घूमी थी जो अभी लेटेस्ट वाला ही है. हाँ जी जी. अब ये इसमें भी देखिए, वो एडवांस 18 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 18 लाख, फिर टोटल 18 लाख, 10 पेमेंट, फिर 10 लाख, ओह माय गॉड पेमेंट थी, फिर 10 लाख टोटल, वाव 22 लाख्स. तो इसमें जुगाड़, ये जो सबसे पहली बात ये है कि मैं लोगों को बता दूं कि कभी भी कोई आप इमिग्रेशन का कोई डिस्कशन करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं या कोई एप्लीकेशन करते हैं, तो सबसे पहली बात ये सोचने वाली है कि उस इंसान के पास जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पास कनाडा का लाइसेंस है कि नहीं है. एक तो होता है हमारा कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन का लाइसेंस, या दूसरा है हो सकता है अगर कोई लॉयर हो तो उसके लॉ सोसाइटी की मेंबरशिप होगी, जैसे आपके बार काउंसिल इंटिटी की होती है. तो अगर 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 किसी के पास मेंबरशिप नंबर या ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप सोचो कि आग में कूदने के बराबर है ये बात, क्योंकि इसमें बहुत धोखा हो सकता है. तो अगर ये जो भी कंपनी है, मैं किसी कंपनी को जानता नहीं है, अगर कोई भी कंपनी किसी को भी ऑफर ये देती है, अगर आपने उनका लाइसेंस नहीं पूछा पहले, तो आप सोचो कि धोखा खा जाओगे. दूसरी बात ये है, ये जो चक्कर है जी 18 लाख लेना, ये लेना अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें चक्कर जुगाड़ सारा जॉब का है. जॉब का लिए मतलब कि किसी कंपनी को कोई पैसे दे कर ले दे के जो जुगाड़ होता है उसको लेके ये खराब साब कर रहे हैं, तो कई बार वो जॉब भी नकली निकलता है. और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने पैसे दे दिए तो जॉब वो फाइनली वेरीफाई होके वो सही रहेगा. एट द एंड ऑफ द प्रोसेस बाई चांस अगर नॉमिनेशन भी मिल गई, चलो मान लेते नॉमिनेशन किसी को मिल भी गई, फिर वो एप्लीकेशन जब वो वीज़ा इशूंस तो दिल्ली वालों ने करना ना, न्यू दिल्ली हाई कमीशन जो दिल्ली में है, तो वहाँ पर आएगा तो उनकी स्टेज पे भी चेकिंग दोबारा वेरिफिकेशन हो सकती है कि जॉब आपको कैसे मिला, किसने दिया, क्या चक्कर था, क्या है. अगर वहाँ भी उन्होंने कोई सूंघ लिया कोई बात है कि यहाँ पर कोई चक्कर हुआ है, तो वहाँ भी मना कर सकते हैं, तो आपके सिर्फ 18-20 लाख सारे गए. तो ये सब काम हम ना करें, हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली वालों से और भारत, आई मीन एनीवेयर इवन इन कनाडा आल्सो स्टूडेंट ये करते हैं, कि कोई भी ऐसा कोई काम ना करे तो अच्छा रहेगा.
ये सबसे बड़ी बात जो आप लोग गलती करते हो, आप भी कोई भी गलती करता है कि जैसे कोई भी अगर जैसे इस कंपनी ने आपको ऑफर दिया है जॉब का, पीएनपी का और पीआर का, तो आपने उनसे पूछा नहीं पहले कि भाई आपने पहले कितने लोगों को अपने पीआर दिलवाई है? कोई क्लाइंट का रेफरेंस होता है कोई कि आपने इस साल या पिछले साल कितने लोगों को आपने पीआर दिलवाई है? ऐसे उसका एक आध कोई क्लाइंट का रेफरेंस का कोई फ़ोन नंबर ही दे दें, हम भी पता कर लें उसे कैनेडा में वो कहाँ बैठा है, वो कितने पैसे दे के गया, अभी वो सेटल भी है कि नहीं है, क्या है। अगर आप किसी भी अगर ऐसी आदमी से साउथ इंडियन से जो भी इससे पूछ लेते कि भाई आपने किसी का काम करवाया है पहले, एक दो नंबर किसी का दे दें, तो वैसे ही वो भीगी बिल्ली बन जाएंगे, तो वैसे ही भाग लेंगे। क्योंकि आप क्वेश्चन एग्री कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ये रेफरेंस वाली बात है ना, लेकिन जो बंदे टोटल स्कैमर हैं वो हर चीज पे खेल जाएंगे सर, वो ऐसे ऐसे रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे, बंदे भी उन्हीं के होंगे, सब कुछ उन्हीं का होगा। वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, वहाँ फिर उसके बाद आपको कोई हेल्प चाहिए ना कनाडा की, जैसे अगर आपको कोई कनाडा में कोई रिलेटिव है, जैसे मैं हूँ, कोई भी है, मनान सिंह, मतलब कि हमारा अपना एक जो इन्वेस्टिगेट करने का दूसरा तरीका है, इंडिया से कुछ दूसरा तरीका है, तो वो हम पता कर लेंगे नकली है असली है वो। आई विल कम टू नो विद इन फ्यू मिनट्स के ये रेफरेंस असली है कि नहीं है, तो वो पता लग जाएगा। लेकिन ये दो काम तो करने चाहिए, नंबर वन चेकिंग द लाइसेंस, मैं उसको बिल्कुल कह रहा हूँ, लोगों को अवेयर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, यू विल बी सरप्राइज टू नो इस गेम के अंदर सर वो करते क्या हैं, जितने भी टॉप के मतलब इसमें लॉयर कह लो, आरसी कंसल्टेंट कह लो, वो अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में, अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में क्या कहते हैं सर, पहली बात तो हम एग्रीमेंट करेंगे नहीं क्योंकि हमारा लाइसेंस टेक पे है सर, नंबर वन इसमें ग्लिच ये है सबसे बड़ी बात, और इसमें सारे ही हमाम में नंगे हैं, इसमें एम्प्लॉयर से लेके उनका भी नेक्सस है, और आपको कोई मैं कह रहा हूँ 0.1 भी नहीं मिलेगा जो आपसे डायरेक्ट इस तरह कोई डील करे, यानी कि यू हैव टू हैव रिस्क वाला फैक्टर। और इसमें जो कीमत है सर वो आपको भी पता है, स्काई रॉकेट है वो 80,000 कैनेडियन डॉलर और जो भी नेगोशिएशन हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा और गंदा नेक्सस है सर, बड़े बड़े इसमें मिले हुए, और ये हमारे से कहते हैं कि भाई आपकी फाइल पड़ी रहेगी सारी जिंदगी क्योंकि कट ऑफ इतना जा रहा है, तो उस तरह से कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक यही रास्ता है। अब कुछ लोग इसमें ये जरूर करते हैं ड्रामेबाजी सर, जैसे अभी आपने स्क्रीन पे जिनका शेयर करा था वो बार बार ये चीज दिमाग में बैठा रहे थे कि हम जो आपका काम करेंगे ना डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से करेंगे, किसी लल्लू पंजू एम्प्लॉयर से नहीं करेंगे, मतलब एक आम आदमी को शीशे में उतारने के लिए वो कह रहे हैं। जो कंपनियां हैं ना वो एक बड़ी स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं, उनका पूरा वो है, जैसे यहाँ पे इंडिया में गेल है, एनटीपीसी वगैरह उस लेवल की कंपनी है, तो आप हमारे से अश्योर हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा कहने का सब लोगों के लिए निचोड़ ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने अपने चैनल पे बात की है, जो और अच्छे लोग कहते हैं कि अगर तो आपका केस मजबूत है और आप पढ़े लिखे हैं तो खुद सेल्फ आप कीजिए अप्लाई, उसमें किसी को इन्वॉल्व ही मत कीजिए, क्योंकि जो कैनेडियन वेबसाइट है वो बहुत फ्रेंडली है, सारी बात नहीं, नंबर वन। सेकेंड, अगर सर जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा चाहे वो आरसीए कंसल्टेंट हो, ये तो अपने आपको बिल्कुल सेफ रख के चलते हैं, ये तो कहते हैं हमारा नाम कहीं भी नहीं आएगा एग्रीमेंट में, कहीं भी कुछ भी नहीं। और सर दिक्कत सबसे बड़ी है, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि कैनेडियन अथॉरिटीज यहाँ भी इसको सूंघ सकते हैं, ठीक है, और वंस इवन यू लैंड देयर एंड इफ दे गेट सस्पिशियस, वो रेड फ्लैग हो जाती है चीजें, तो वो बंदे को वहां से भी डिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और सबसे गंदा जो मेरे को अंदर की बात किसी ने बताई है, जो नेक्सस चल रहा है ना वो ये है कि वो आपको जैसे ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट या ड्यूल इंटेंट आपकी जो LMI है उसमें बुला लेते हैं सर, लिटरली जॉब तो होती नहीं है ना ओपन वाले में, तो वो ये कहते हैं इसको देखो सर कितने मतलब जस्टिफाई करते हैं तरीके से, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जैसे हम एज ए लेमन सोचते हैं ना भाई जॉब जेन्युइन होनी चाहिए, तो मैं लोगों से अक्सर ये पूछता था यार जॉब जेन्युइन नहीं होगी तो हमें वहाँ पे मतलब कैश में जॉब करना पड़ेगा, वहाँ अथॉरिटीज रिपोर्ट कर देंगी, तो वो कहते हैं ना ये वहाँ पे ट्रेंड है, ऐसा कोई भी नहीं करता है, नंबर वन। और सर उसमें क्या है कि वो ये भी जस्टिफाई कर देते हैं कि जो एम्प्लॉयर है ना वो आपका 3 महीने तक या पता नहीं 1 साल तक आपके खाते में तनख्वाह डालेगा और वो आपको कैश में उसको वापस कर देंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारी चीजें चलेंगी और यहाँ पे ट्रेंड है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जब मैं उनसे कहता था लिटरली जॉब होगी नहीं, जिसको आप डमी जॉब बोलते हैं, एक तरीका है वहां तक ले जाने का, तो वो कहते थे भाई क्लोज वर्क परमिट में तो ये होता है कि भाई अगर आपकी जॉब है तो वो आपको ना एक्सप्लॉइट करेगा उनका, देखिए मतलब एक शगुफा के लिए क्या है, एक सिस्टम ब्रेन वॉश करने का, वो ये कहते हैं
कि आपको एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करेगा, आपको $16 देगा, कुछ देगा, जबकि मार्केट में अगर ट्रेंड उसी जॉब का $25 है तो, और वो कभी नहीं चाहेगा आपका एम्प्लॉयर कि आप परमानेंट हो जाओ, क्योंकि आप परमानेंट हो जाओगे तो आपको वो वाली वेजेस देनी पड़ेंगी। इसलिए क्लोज वर्क परमिट की उन्होंने डीमेरिट्स भी गिनवा दी कि भाई एक तो उसमें जाओ मत, उसका जैसे कंपेरेटिवली जैसे ओपन वर्क परमिट की कीमत 25 लाख रुपए, तो कह रहा है क्लोज में मान लो कोई 20 भी ले रहा है ना, तो क्लोज में तुम्हारे साथ हरासमेंट होगी, बहुत कुछ गड़बड़ होगा, तो आप उसको मत प्रेफर करो, आप ओपन वर्क कैटेगरी को लो। तो सर ये जो गंदा वाला नेक्सस है वो ये है कि इसमें कुछ सिस्टम ही आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। अगर जैसे मान लीजिए वो ओपन के लिए हाँ कर देता है जिसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है, तो लिटरली क्या होगा, जॉब होगी नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट टू फैसिलिटेट द पर्सन टू कैनेडा, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो वो उसको दूसरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि साहब इसमें जॉब तो नहीं है, बट यू आर वेरी मच ओपन डे वन से, आप कहीं भी जाके जॉब करने के लिए एंटाइटल हो। मतलब नेक्सस मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा सर। और ये सब इलीगल है बॉस विशाल, देखो मुझे सारा पता है सर, मुझे सारा पता है। 100 सुनार की एक लोहार की, देखो ऐसा है कि सारा ये इलीगल है, गैर कानूनी, इसको जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज में जस्टिफाई करें कि ये है वो है, चलता है, रिपोर्ट न्यू और कुछ है, एवरीथिंग इज आउटसाइड द सर्किल ऑफ लॉ। जो भी कुछ है, पैसे देना, पैसे लेना ये जॉब के लिए, और वो जो आपको उन्होंने कहा कि भी एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह शो करेगा, वो सब अगर कोई आए इस पर तो इसमें बड़े एम्प्लॉयर के अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है, जिन्होंने अगर कोई लॉयर, कोई कंसल्टेंट, कोई इन्वॉल्व है उसको एक्शन हो सकता है। ये जो आपने बताया ना कि उन्होंने कहा कि किसी को मालूम नहीं पड़ता नहीं होता, मैं ये काम कम से कम, मेरे को अपना लाइसेंस लिए हुए यहाँ पर 2012 में मेरा लाइसेंस था, तो अब देखिए मेरे को 12 ईयर्स इज गोइंग टू बी इन नेक्स्ट ईयर। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आई हैव मैनी एग्जाम्पल्स, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इंडिया से यहाँ पर आया और उसने उसको उसने जॉब ली पैसे देकर, और जॉब लेने के बाद उसने PNP जो कहते हैं, जो प्रोविंस का जो प्रोविंशियल होता है, उसको वो भी मिल गया, ठीक है, जॉब के बेस पे, मतलब यहाँ पर बैठा हुआ, बाहर की बात नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो PNP का जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट में, उन्होंने किसी वजह से, अब ये मैं वजह आपको बता नहीं सकता कि कैसे, किसी वजह से उनको एक उन्होंने इन्वेस्टिगेट वेरीफाई करते हैं कि भाई इसको ये PNP में इसने जॉब ली है, इस कंपनी में इसको जॉब कैसे मिली, और इसने जो दिखाया है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा ये मैच कर रहा है बैकग्राउंड वाला कैसे, तो वो उन्होंने जाके उस कंपनी पे जाके वेरीफाई कर लिया कि जाके वहाँ कंपनी में चले गए, और ऐसे ही बताया नहीं कि हम कौन है, हम डिपार्टमेंट से हैं, तो जाके चले गए और उन्होंने पूछा, एक दो दोस्त से पूछा कि भाई फलाना बंदा यहाँ काम कर रहा है, तो किसी ने कह दिया नहीं जी वो अभी है नहीं जी, काम नहीं कर रहा है, छुट्टी पे है वगैरह, था तो है ही नहीं वहाँ पर, या किसी ने कह दिया कि जी वो कोई और काम कर रहा है, ना पेपर पे कुछ और लिखा है, वो कुछ और काम कर रहा है, या मतलब कि उनकी तसल्ली नहीं हुई कि भाई जो कागज में है उनकी तसल्ली नहीं हुई, तो इस करके उन्होंने PNP कैंसिल कर दिया, और उस बंदे को जिसकी बात कर रहे हैं, उस बंदे को इवेंचुअली आफ्टर 2-3 ईयर्स, वो प्रोसेस लंबा है, कानून के हाथ लंबे हैं, तो उसमें वो 2-3 साल तक उसको कंट्री छोड़ना पड़ा यहाँ से, अभी इस वक्त वो इंडिया बैठा है। तो ऐसे एक एग्जांपल नहीं है, एक से मैं मतलब कि एटलीस्ट मैं 15-20 मेरे पास तो फाइलें हैं, मेरे को पता है कि कौन कौन यहाँ से वापस गए। तो कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि ये नहीं होगा या नहीं होता, ये ट्रेंड है, ये बकवास है, सब झूठ है, ठीक है, उसको छोड़ें। अब आप ये बताएं मेरे को, अब मैं सारा खेल समझ गया, वो सारा सब कुछ जीरो है, आपको पैसे मिल जाएंगे, पूरा हो जाएगा, मैं इसकी शुभकामनाएं करता हूं। आप ये मेरे को आप अपने बारे में बताएं कि आपकी पढ़ाई क्या है, पहले ये खुल के बताएं, आपने LLB कर रखी है? मैं आपसे बिल्कुल ओपनली सारी बातें शेयर करता हूं सर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है विशाल, तो हमें मेरे को जाना भी है। मेरे को सिर्फ इतना बता दें कि आपने LLB करी है, क्या कर रखा है आपने? हां जी सर, आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड डन माय LLB। अच्छा, अभी आप कौन सा प्रैक्टिस करते हैं, क्या एरिया में करते हैं आप? सारे केसेस, एवरी केसेस, लाइक क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल, जितने भी केसेस होते हैं, वी डोंट रिफ्यूज एनीथिंग। इट्स ओके। और अगर आप, हां बनाने वाले बताएं आपकी वाइफ की क्या एजुकेशन है? हां, मैं उसी के ऊपर आ रहा था सर, प्राइम एप्लीकेंट वही है, इतनी हाईली क्वालिफाइड है, गोरे भी इस बात को मानते हैं, सुनिएगा उसकी क्वालिफिकेशन। शी इज फ्रॉम नॉर्थ कैंपस, ऑलमोस्ट PhD लेवल, ऑलमोस्ट, बिकॉज़ शी हैज डन MSc from DU,
right? अच्छा. She is a B.Ed from IP University. जी. He is a Symbiosis से भी उसने PG Diploma and HR करा हुआ है. अभी नौकरी क्या करती है वो? क्या करती है नौकरी जॉब? मैं उससे भी आ रहा हूँ सर. अभी उनका जो करंट प्रोफाइल है वो थोड़ा सा लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता है कि वो काइंड ऑफ अ मल्टीटास्किंग है सर. तो उनका नॉक कोड ही आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा. जो मैं सीवी शेयर कर रहा हूँ ना जितने भी लोगों के साथ, वो रैंडमली क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये नॉक कोड आप देख लीजिए, आपकी जेडी मैच करता है तो आप कुछ कर लीजिए, लेकिन वो उसका जिस्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं अभी एग्जैक्टली क्या वो काम कर रही है. ठीक है चले, उसको भी मैं दो मिनट के लिए इग्नोर कर देता हूँ. देखिए मैं आपको बताऊँ तरीका दोनों को. आपके कितने बच्चे हैं? थ्री किड्स. तीन बच्चे हैं. कितनी साल की उम्र है बताएंगे जरा? Daughter is 17. She will be turning 18 in July. And my twin boys are of 12. देखिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. जी. इमिग्रेशन में आपका होगा नहीं होगा मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई कनेक्शन है, और ना मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेस एंट्री करो वाला जो करना है आपको सारी वेबसाइट पे दे रखा है. नथिंग टू डू, कोई स्पेशल मेरे पास पावर नहीं है कि मैं किसी को जॉब दे दूँ, पिंग कर दूँ, वो मैं नहीं करता. मैं आपके लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लॉयर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने LLB कर रखी है, और कितने साल की प्रैक्टिस है आपकी? ज़्यादा नहीं है सर, अभी 2 साल ही है. 2 साल की प्रैक्टिस. आपका जो है, अगर आप सोचो ध्यान से और अगर आपका मन बने, आपको भी LLM करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लो. कनाडा आपको LLM के लिए स्टूडेंट वीज़ा दे देगा. कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं, आप वो गूगल पे सर्च कर सकते हो. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर टोरंटो के पास, तो वहाँ पर LLM मेरे ख्याल है if I'm not wrong, 1 साल का प्रोग्राम है शायद वहाँ पर, और आपका एडमिशन्स भी हो जाएगा और आपका स्टडी वीज़ा भी, मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग है कि आपका स्टडी वीज़ा भी लग जाएगा. इवन दो यू आर मेच्योर स्टूडेंट तो आपको लग जाएगा. आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, इन चक्करों में छोड़ो सारे, पैसे मिल गए पैसे जेब में डालो. स्टूडेंट वीज़ा अगर आपका मिल गया, अगर आपका, तो आप अपनी पत्नी और बच्चों को भी, जो डिपेंडेंट है बच्चे जो 22 एंड बिलो, तो उनको भी आप साथ में आफ्टर पहले भी ले जा सकते हो अगर आपके पास फंड्स हैं, और अगर नहीं है तो बाद में एक आध सेमेस्टर बाद भी ले जा सकते हो. तो ये आप कर लो, इससे आपकी जो लाइफ जो है वो है कि आप पढ़ोगे और दो फायदे होंगे. एक तो वहाँ लीगली पहुँचोगे स्टडी वीज़ा पे, आपको कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के जो लॉज हैं सिविल हैं सारे, वो पढ़ने का मौका मिलेगा. और इन फ्यूचर बहुत सारे इंडियन वकील जो यहाँ पर बैठे हैं आज की डेट में, जो इंडिया से पढ़ के आए हैं, वो LLM के तरीके से ही यहाँ के एग्जामिनेशन को पास करके इन फ्यूचर, इट विल टेक टाइम, 2-3 साल और लगेंगे, लेकिन आप यहाँ पर लॉयर बन जाओगे और बन सकते हो, आगे प्रैक्टिस कर सकते हो. तो और से आगे PR तो होगी, PR भी होगी, आपकी वकालत भी जमेगी और लॉयर भी बनोगे, साथ में आपके बच्चे भी होंगे. तो 100 बात की एक बात, आपको स्टडी वीज़ा के बारे में सोचो. आई डोंट वांट यू टू टेक अ डिसीजन नाउ. सोचो, अपनी पत्नी से बात करो, अपने घर से, घर वालों से वो सेट करो. सर बिफोर वी वाइंड अप, आई नीड टू नो, देयर इज अ प्रोविंस कॉल्ड सस्क्वेचन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, बी इट इन इंडियन कंसल्टेंट, RC कंसल्टेंट, दे आर पिचिंग फॉर दैट रीजन की जो फैक्टर्स है ना भी, वाइफ के एवरीथिंग, CV के हिसाब से वो ये कह रहे हैं यही आपके लिए सूटेबल है. हालांकि वहां पे ड्रॉबैक वो ये कहते हैं कि अभी तो खैर काम ही नहीं हुआ है सर, ठीक है. वो कहते हैं अगर कल को क्लिक कर जाता है, अगर जैसे उन्होंने पूरा जॉट डाउन करा है जो भी, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे कट ऑफ की मैं बात करूं 68 बन रहे हैं, ठीक है. तो बोला अभी जैसे ड्रॉ 69 भी आया, 68 भी आया और कम भी आ सकता है. बोला एक वही रास्ता है आपके लिए, उसमें बस माइनस. सर वो झूठ बोल रहे हैं. देखिए ऐसा, देखिए मैं किसी को सामने आर्ग्यूमेंट, मैं ब्लैंक फेस पे अगर कोई है नहीं सामने कर, आप जो भी कंसल्टेंट आपको कह रहा है ना, आप ऐसा करना, किसी दिन उसको कहना कि ठीक है जी आप करते हैं, आप आ जाए, आप मेरा नाम ले देना, या चल मे बी नॉट माई नेम, क्योंकि वो देखेंगे आई एम प्रैक्टिसिंग, तो वो मैं, आप उनसे कहना कि मेरे सामने आके फेस टू, मतलब स्काइप पे मेरे सामने आके आर्ग्यूमेंट करें, मेरे को बताएं कि Saskatchewan SINP में उसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, और वो ड्रॉ में उस जैसी प्रोफाइल का आपने कितने को कराया है और कब लास्ट हुआ है. तो उसके हम फैक्ट्स के बेस में, तथ्यों के बेस पे बात करेंगे, ऐसी हवा में तीर वाली बात नहीं करनी हमें. SINP में अगर बन जाता है तो हमें क्या नुकसान है, बन जाए दैट्स ओके. पर आई एम एब्सोल्युटली नॉट कन्विंस्ड. मैं अगर कोई, मेरे से कोई अगर Saskatchewan में कोई लॉयर है जो कैनेडा का लॉयर जो बैठा है, जो लाइसेंस वाला लॉयर है, अगर वो मेरे से बात करे तब मैं उसकी बात सुनने को तैयार हूँ कि हाँ भी बताओ क्या है. लेकिन अगर कोई
कोई इंसान जो जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो दिल्ली में पहाड़गंज में बैठा है, बंगलौर में बैठा है, कहीं अमृतसर में बैठा है, वो बातें ऐसे कर रहा है, उसको पता नहीं है, उसे सस्कैचुआन की उसकी रूपरेखा पता नहीं कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जॉब्स भी है कि नहीं है, वहाँ के लोग कितने प्राइसेस हैं क्या है, जिसको कनाडा में रहने का एक्सपीरियंस नहीं है वो बातें वहाँ से कर रहा है, तो आई एम नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीबडी। हाँ, अगर उसका कोई एसोसिएट है कनाडा में जो सस्कैचुआन में बैठा है, जिसके पास लाइसेंस है और जिसने ऐसा कोई काम कराया है, यस आई एम विलिंग टू डिबेट एंड टॉक टू हिम ऑन पब्लिकली जस्ट लाइक ऑन स्काइप, तो मैं देख लूँगा। बहरहाल वो एक बात की बात है, अगर SINP में होता है तो वंडरफुल, आई मीन व्हाट कैन आई हैव टू डू, आई हैव नथिंग टू लूज, बट अगर अगर हो गया ठीक है, नहीं होता है, आपकी जो प्रोफाइल है, आप एडवोकेट हो, आप अभी इतने वो मतलब यंग हो, पढ़ भी सकते हो, अगर आपका सपना है कि कनाडा में जाके सेटल होना है, तो स्टडी वीज़ा फॉर यू समथिंग समबडी लाइक यू इज़ दी बेस्ट प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड, मतलब कि प्रैक्टिकल वे है, पैसा तो लगना है पढ़ाई का, तो आप पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी में फीस देनी है, वो तो फ्री में नहीं करना, लेकिन आपके वीज़ा लगने के चांसेस, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली के आप प्रैक्टिसिंग हो, आपके वीज़ा लगने के चांसेस अकॉर्डिंग टू मी आर क्वाइट हाई, बाकी इन लाइफ नथिंग इज गारंटेड। एंड सर ये तो मैं भी मतलब आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ, चाहे वाइफ का हो चाहे डॉटर का, किसी का भी स्टडी वीजा, बट वो नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और कोई रीजन नहीं सर, एक्सपेंसिव क्या है यार, आप कहाँ एक्सपेंसिव लगे, देखो कहाँ कैसे, मैं कह रहा हूँ कि सबसे सस्ता है, देखो ऐसा देखो, अगर उसकी जितनी भी एक साल की फीस लगनी है आपको, और लिविंग एक्सपेंस लगने हैं $10,000, ठीक है, मान लो, विच आई डोंट नो, आई थिंक राइट नाउ दे आर चार्जिंग 30,000 और व्हाटएवर, जो भी कुछ है, अगर आप जितने भी जो 2 लाख स्टूडेंट इंडिया से हर एक साल जो कनाडा जा रहे हैं, सब ये सौदा कर रहे हैं, सौदा मतलब प्लानिंग ये है, पढ़ाई तो एक बहाना है, उनको आगे उनके साहब के PR बनना है, उन्होंने कभी वापस नहीं आना, तो ये आप सोचो कि जितना आप लाखों इधर उधर खर्च करने की LMI FLI में ये सब कर रहे हो, तो अगर आपने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे और जाके आपको, अब ये देखो ना कि आप कनाडा के वकील बनोगे इन द फ्यूचर, वो उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है, उसके प्रोस्पेक्ट तो बहुत ब्राइट हैं सर, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा था, अभी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, अब जैसे कोई भी एक बंदा जा रहा है, बीट माई वाइफ बीट मी, ठीक है, डॉटर का भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसमें ये आ रहा था, जो कैच आ रहा था, वो कह रहे थे कि आपके जो सबऑर्डिनेट फैमिली है, चाहे वो जाए ना जाए, आपको उनका फंड दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आ रहा था दिक्कत, ये सही है या गलत है सर? उसकी चिंता मत करो, आप अपना मन बनाओ, स्टूडेंट वीजा मैं करूंगा आपका, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आप चाहे अपने आप करो चाहे किसी भी कराओ, आपका स्टूडेंट वीजा के चांसेस अच्छे हैं, बाकी हाँ फंड्स का चक्कर ये है, क्योंकि आपके जो फैमिली में 3 लोग हैं, तो मैंने आपसे पहले भी 5 मिनट पहले भी कहा था कि अगर वो फंड्स होते हैं तब सारी फैमिली का इकट्ठा भी लग सकता है, आई हैव मेनी एग्जांपल्स, मैंने वीडियो भी बनाई है कि फैमिली का पूरी फैमिली का 2-2 बच्चे मतलब कि 4 मेंबर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे का इकट्ठा ही लग गया बेंगलोर से, तो ऐसी भी है, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल पोजिशन, अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं तो आप अभी अपनी फैमिली को कहो भाई तू आराम कर यहाँ पर थोड़ी देर, आप खुद जाओ, आप वहाँ पर पढ़ो, एक आध सेमेस्टर पढ़ो, 3 महीने या व्हाटएवर जो भी, एंड देन मेक अप योर माइंड, तैयारी करनी ना वहाँ पर, कहाँ रहना है, फ्लैट लेना है, वाला खर्चा होना है टोरंटो में बहुत, तो उसके बाद फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव जब होती है तो फिर आपकी आपकी वाइफ आ सकती है, बच्चे आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, पर इट इज़ अ वेरी डूएबल थिंग, इट इज़ वेरी लीगल, इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल डूएबल थिंग, और मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल है, आप मेरी चैनल पर यूट्यूब पर देख लेना कि there are a lot of examples, 40+, 45+, 50, एक बंदा है जो है 55+ भी है, तो उसके भी वीजे लगे। इंप्रेस होता है आपके चैनल पे देखे, 25-25 सालों का जो गैप है, वो बंदे भी स्टडी पे आए हैं। हाँ हाँ आए आए, कोई चक्कर नहीं, यार मिल जाएगा, मतलब एज बैरियर कुछ नहीं रहेगा, जैसे आई एम ऑलमोस्ट 48 सर, मैं आपको गारंटी तो हमारे पास वर्ड नहीं होता, देखो अगर आप एडवोकेट हो और आप स्टडी वीजा पे आ गए, ऐसी कोई शेयर है ही नहीं जो आपको PR से रोक लेगी, मैं आपको लिख के दे दूंगा, आपको PR से कोई बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, हाँ द थिंग इज द पैथ इज के अब 1 साल पढ़ो, उसके बाद 1 साल आपको PG वर्क परमिट मिलेगा, वो उसमें आप काम करो तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई करोगे, और करते करते मतलब कि फिर आपको पॉइंट्स भी इंक्रीज करने ना, आपको इंग्लिश भी देनी है, फिर आप कहीं पर काम, जैसे आप ग्रेजुएट आप जैसे आप करके आओगे तो हो सकता है कि कोई वकील आपको मतलब कि टोरंटो में कोई लॉयर आपको लीगल असिस्टेंट हायर कर ले तो वो जॉब की पॉइंट्स मिलेंगे, इस तरह से पॉइंट्स धीरे धीरे इकट्ठे होंगे अपने आप ही, लीगली पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, पैसे देकर नहीं।
अच्छा मतलब एज बैरियर आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, मान लो मैं करते करते 55 तक भी टच कर गया तो भी कोई इशू नहीं रहेगा? Absolutely not. I have examples where 55 plus or 60 plus भी express entry में उनके points बने। अच्छा उनके ultimately PR मिल ही गया जो उनका motto था, मतलब आप ये कह रहे हैं? You have to understand कि जब आप student बनते हो, एक तो आपको कैनेडियन स्टूडेंट के जो पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप कनाडा में काम करोगे, कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस में पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आपको जहां जिसके पास आप काम करोगे अगर वो आपको पसंद करते हैं होपफुली, तो वो आपको अरेंज जॉब ऑफर करके देंगे, उसके वो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो तीन तीन तो बोनस पॉइंट्स यही मिल रहे हैं आपको। और चौथी बात यह है कि एज आपकी बढ़ रही है, सो व्हाट, ये तीनों चीज़ आपको कंपेंसेट करेंगे। और चौथा ये है कि आपकी इंग्लिश भी होपफुली इंप्रूव हो रही है, IELTS का जो अभी है वो 2 साल बाद और होगा, तो कुल मिला के ये होगा। और आपको ये मत भूलो कि आपकी वाइफ भी आपके साथ रह रही है, वाइफ भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, हो सकता है कि उसको कोई और जॉब ऑफर मिल रहा है, पता नहीं उसको क्या जॉब करेगी जो भी है। तो कुल मिला के मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं है कि स्टूडेंट जो है अगर वो कोई गलत काम ना करें तो स्टूडेंट को कोई PR बनने से रोक सकता है, ऐसा तो मैंने I've been doing a long time, मैंने कभी देखा नहीं। As per you, it is a win-win situation, चाहे हम पढ़ने आए चाहे डॉटर को भेजें, सबका भला हो जाएगा। और नहीं नहीं, डॉटर तो आपकी छोटी है ना, अभी 18 साल की है डॉटर, तो डॉटर तो डॉटर से आप थोड़ी पक्के होंगे, डॉटर से तो वो पक्की हो जाएगी इंडिपेंडेंटली, आप थोड़ी पक्के हो पाएंगे। वो कहते हैं सुपर वीजा, लेकिन वो फिर वायबल नहीं रहेगा ना हमारे लिए, महंगा, वो आप उस चक्कर में मत पड़ो, सुपर वीजा लोगे वो PR बनेगी और वो फिर करेगी स्पॉन्सर, वो फिर आप तो बुड्ढे हो जाओगे, आप छोड़ो उस बात को, आप तो अपना सोचो, अपना मूड बनाओ, इसी पे फोकस करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई हैव टू गो विशाल, और आई एम ग्लैड दैट थैंक यू वंस अगेन, आई एम ग्लैड दैट यू कॉल, और मैं आपसे बिफोर यू वाइंड अप सर, मेरे को एक ये बता दीजिए सर, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सीवी एंड एवरीथिंग, तो आप अपने एंड पे देख लेना, ऑल्दो यू ड्यूल द कॉम्प्लेक्स रिफ्यूजल केसेस, अगर आपको लगे SINP का एज पर माय वाइफ्स प्रोफाइल यू शुड एटलीस्ट सी एंड देन यू कैन मैसेज मी कि बी यस देयर इज, मैं देख लूंगा विशाल। देखो मैं आपको बता दूं क्लियरली, देखो जितने भी जो एक्सप्रेस एंट्री हैं और PNP है, जैसे SINP है, मैनिटोबा ये है, मैं ये सब मैं करता नहीं हूँ, उसकी दो वजह मैं बता दूँ आपको, ऐसा नहीं कि मेरा मूड मतलब कि कर नहीं सकता, मतलब ये है कि इनके जो पॉइंट सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इनटेक है, सारा है, वो सब वेबसाइट पे दे रखे हैं, इसमें इसमें लॉयर कुछ कर नहीं सकता, इसमें जो लोग कुछ कर रहे हैं वो जुगाड़ू लोग हैं, मतलब कि पैसे देकर इधर उधर कर रहे हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए कभी भी मेरे पास कभी क्लाइंट्स हैं जो स्पाउस वीजा पे वर्क परमिट पे आते हैं, मेरे से कभी पूछते हैं कि आप मेरी एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगा दो, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, अपने आप लगाओ, तुम पढ़े लिखे हो, इंग्लिश बोलते हो, तुम रह रहे हो कनाडा में, अपने आप लगाओ, तो इस करके मैं उस चक्कर में जाता नहीं हूँ, मेरा फोकस ज़्यादा है जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं दिल्ली से, कहीं से भी, चाहे यू नो व्हिचएवर कंट्री, कहीं से जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, उनको मैं कैसे चैलेंज करना है, उनको कैसे वीज़ा देना, ये है मेरा बिजनेस बस। और मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस, उसमें मैं कहता हूँ भाई तू अपने आप कर ले, क्यों, व्हाई यू वेस्टिंग मनी ऑन मी, सो ये चक्कर है। बाकी जहाँ तक जैसे आपकी सिचुएशन है, तो उसमें ये तो लॉट मोर लेस लॉटरी सिस्टम है ना, उसने अगर SINP के प्रोफाइल बनाई, लगा नहीं लगा पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट लाइक टू डू लॉटरी सिस्टम, आई लाइक टू डू समथिंग विच इज इन माई हैंड, स्टडी वीजा करना अप्लाई करना वो मेरे हाथ में है, कोई लॉटरी सिस्टम पे नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है कि हम कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा केस करते हैं, वो करते हैं जो मेरे को लगता है, मेरे सामने दिख रहा है कि इसमें हम इसको ऐसे पेश कर सकते हैं, इसको वीजा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करना है, वो हमारा काम है, तो वो हम केस पकड़ते हैं। हम SINP क्या चार्ज करते हैं, इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन मेक एनी डिफरेंस वेदर इट इज एक्सपेंसिव और समथिंग लाइक दैट? नहीं, जहां तक LLM का सवाल है, LLM तो मेरे ख्याल है कि कनाडा में 5-6 यूनिवर्सिटियां ही हैं जो LLM करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपको, मेरे को कोई कमीशन वगैरह नहीं मिलती है किसी को, जस्ट टू बी क्लैरिफाई, कई लोग एजेंट जो है वो वहां कहते हैं कि जी हाँ एडमिशन करा दें कमीशन, मैं कमीशन का सिस्टम मैं बिलीव नहीं करता, मैं दलाली का काम नहीं करता हूं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी पिक कर लो कनाडा में, आपको पसंद आती है LLM का, वहां पर उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनका कोर्स मटेरियल देखो, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखो और उनकी फीस चेक करो, यू पिक एनी कोर्स, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, किसी एजेंट से नहीं अप्लाई करो, जिस दिन आपका एडमिशन हो गया उस दिन आप मेरे को फोन करना, देन फिर माय वर्क विल स्टार्ट। ओके ओके, फेयर एनफ सर, तो अभी ये डिसाइड कर लेते हैं, हु वांट्स टू बी द प्राइम एप्लीकेंट, वाइफ और मी? नो नो, यू आर द प्राइम, नहीं नहीं, आपकी वाइफ को नहीं मिलेगा, यू आर द प्राइम, यू आर द प्रिंसिपल एप्लीकेंट।
रीजन वो बहुत ऑलरेडी बहुत पढ़ी लिखी है, वो क्या क्या करेगी आगे, कितनी पीएचडियां करेगी आगे, वो बहुत ही पढ़ी लिखी है, उसको स्टडी वीजा कोई फायदा नहीं। अभी आप, अभी आपका ये सही टाइम है, लोहा गर्म है, अभी आप हथौड़ा मारोगे तो आपका लग जाए, क्योंकि एलएलबी के बाद एलएलएम तो हो सकता है, आपके पास और तो कोई डिग्रियां नहीं है, तो ये आपके लिए वो सही एक प्रोग्रेशन है कि भाई हाँ इन फ्यूचर मैं एलएलएम करना चाहता हूँ। करते ही हैं लोग, और यू नो हजारों लोग करते हैं, जैसे आपके जो जो आपने राहुल खत्री का नाम दिया, वो भी तो एलएलएम करके पक्का हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखिए देखिए, मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे गेस लगाया कि राहुल खत्री भी एलएलएम करके पक्का हुआ होगा। नहीं नहीं, उसने उसने सर, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, उसने डीयू से एलएलबी करने के बाद मुझे लग रहा है दोबारा वहां पे जाके एलएलबी ही करी होगी। सर सर ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा, मेरा मेरा दावा है, आई हैव नेवर टॉक टू हिम, मेरा दावा ये है, जितने अच्छा। भी लॉयर्स जितने भी लॉयर्स मैं मिला हूँ यहाँ पर, हाँ जी, जो हाँ जी। जो इंडिया इंडिया के बॉन्ड लॉयर्स हैं और जो इंडिया से एलएलबी करके आए, वो सारे उनको एलएलएम करना ही पड़ा है, क्योंकि एलएलएम करने से उन्हें नॉलेज, क्योंकि एग्जामिनेशन पास करना होता है तो नॉलेज चाहिए, वो यूनिट्स पूरे करने होते हैं, तो वो उन्होंने किया साथ में उनको, फिर वो आप इंडिपेंडेंटली पूछ लेना उसने किया होगा, आप मेरे को छोड़ो, आप उससे मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब एलएलएम करने के बाद ही हम प्रॉपर कैनेडियन लॉयर बन जाएंगे? नहीं, उसके बाद एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, उसका एक एग्जामिनेशन होता है हमारे, जैसे आप जैसे ओंटारियो में जाएंगे तो ओंटारियो में जो लॉ सोसाइटी है ना, उसके अंदर उनके जो आपके जो आपने पहले पढ़ा दिल्ली में पढ़ा, जो आपने पढ़े सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसकी इवैल्यूएशन होगी, उसकी इवैल्यूएशन होगी, जो एलएलएम में आपने जो कनाडा के सब्जेक्ट पढ़े, आप कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन आपको तो मालूम थोड़ी है, आपको तो इंडिया का पता है, तो यहाँ पर जो जब पढ़ेंगे तो उसको वो देखेंगे कौन कौन से आपके मिसिंग है, जो जो मिसिंग है फिर वो कहेंगे कि आप ये और पढ़ो, तो जब तक आप पूरे यूनिट्स अपने कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप उनका एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार नहीं हो, देन यू हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये सब ईजी नहीं है ऑफकोर्स, अगर लेकिन आपने मन में ठान लिए तो लोगों ने कराई है यहाँ पर, तो अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे पंजाबी ऐसे लॉयर्स भी हैं जो पहले टैक्सी चलाते थे, लोग आज वो लॉयर्स बने हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पर, सो इट इज पॉसिबल, कोई चक्कर नहीं। परफेक्ट सर, आपने इतना टाइम दिया, अनबिलीवेबल, और मैंने अपनी स्टोरी आपके सामने रख दी, जेन्युइन, एंड आई होप आई कैन हेल्प आउट पीपल बीइंग अ लॉयर, और जो मेरे साथ पर्सनल मिसहैपनिंग्स हुई हैं। मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको हो सकता है कि 10-15 दिन तक आपको दिल्ली में मिलूंगा और आपके साथ मिल बैठ के चाय पियेंगे, और नहीं, मैं आपको मैं इसलिए भी पसंद कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद लॉयर हो, और ऐसे कोई और फ्रॉड केसेस आते हैं तो मेरे को आप जरूर बताएं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे पब्लिकली। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा बनाऊंगा जिसके आपके थ्रू ही मैं ये चीजें हाईलाइट और एक्सपोज करूँ। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक, टेक केयर।